जिला है। यहाँ पर कई प्राचीन स्थान भी हैं जो अपने आप में नायाब माने जाते हैं। झालावाड़ शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर हरनावदा में कोलवी में बौद्धकालीन गुफाएं हैं जो आज भी सुरक्षित तरीके से मौजूद हैं। कोलवी को राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक इन गुफाओं का निर्माण 6वीं और 8वीं सदी के बीच हुआ था। लगभग 2000 साल पुरानी ये गुफाएं राजस्थान के झालावाड़ और आसपास के इलाकों में बौद्ध सभ्यता का प्रमाण है। लेकिन समस्या ये है कि इन ऐतिहासिक गुफाओं को सहेजने की जरूरत है। कोलवी की ये गुफाएं इन दिनों दुर्दशा का शिकार हैं। आखिरी बार वसुंधरा राजे सरकार में इस गुफा के मरम्मत के लिए फंड जारी किए थे, लेकिन अब ये गुफा बदहाली का शिकार है। बौद्ध धर्म से जुड़े होने के कारण यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक बार यहाँ बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की यात्रा हो जाए और इस यात्रा से लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा और फिर सरकार और प्रशासन भी कोलवी गुफा के जीर्णोद्धार के लिए कुछ काम करें। अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम आप सबने यकीनन सुना होगा। मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूँ इसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक गुफा में मौजूद हूँ। ये गुफा एक पहाड़ को काटकर बनाई गई है। ऐसी लगभग 64 गुफाएं यहाँ मौजूद हैं। झालावाड़ मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है कोलवी। कोलवी में लगभग 2000 साल पुरानी बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं, यानी कि 2000 साल पहले यहाँ पर बौद्ध रहा करते थे। उन्होंने ही अपने हाथों से इन चट्टानों को काट काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण हुआ। लेटराइट की ये चट्टाने हैं जिनको काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। लेटराइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेटराइट एक मिट्टी होती है जो समय के साथ सख्त होते हुए चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। लेटराइट में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी के चलते आप देख सकते हैं कि इन चट्टानों का रंग ऐसा है जैसे लोहे पर जंग लगा हुआ होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इनका रंग ऐसा हो जाता है। इन चट्टानों का पानी से और मौसम की मार से क्षरण भी होता है, यानी कि ये कटती रहती हैं। इन्हीं चट्टानों को लगभग 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षुओं ने काट कर अपने लिए यहाँ रहने का इंतजाम किया। लगभग 64 गुफाएं यहाँ पर बनाई गई। उस दौर में यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण यह दर्शाता है कि इस इलाके में बौद्ध धर्म उस जमाने में काफी महत्व रखता था और बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। कोलवी में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके 10 किलोमीटर के ही दायरे में दो जगह और हैं, जिसमें से एक का नाम बिनायगा तो दूसरी का नाम हाथियागोड़ है। वहां पर भी इसी प्रकार की गुफाएं हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आखिर बौद्ध गुफाएं क्यों बनाई गई, इनका यहाँ पर क्या महत्व था और बाद में इनका क्या हुआ। तो जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर और खंडवा के आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती है। जो पुराने जानकार हैं उनका ये कहना है कि इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु जब सफर में होते थे और यहाँ से गुजरते थे तब वे इस जगह को अपनी विश्राम स्थली के रूप में इस्तेमाल करते थे तथा यहाँ रुककर अपनी पूजा साधना और आराधना किया करते थे। 64 कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बेहद सुसज्जित तरीके से इन कक्षों का निर्माण किया गया है। इनमें सोने के लिए तकिए भी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। भगवान बुद्ध की यहाँ कई प्रतिमाएं हैं जो समय के साथ साथ खंडित हो चुकी हैं, लेकिन जब सरकार ने इसकी संरक्षण की दिशा में कदम उठाए तो अब इसको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। इसकी सार संभाल का जिम्मा सरकार ने उठा रखा है, लेकिन फिर भी ये जो नायाब विरासत है, पुरातत्व के जो नायाब प्रमाण है और बेहद संरक्षित है, ये फिलहाल बदहाली के आंसू ही बहा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो निर्माण है वो एक विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। बौद्ध भिक्षु जब यहाँ से गुजरते थे तो इन जगहों पर रुकते थे और यहाँ रुककर विश्राम किया करते थे। यहाँ पर एक ही चट्टान को काट कर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी बनाई गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 2 मंजिला गुफा है जिसके सामने हम इस वक्त खड़े हुए हैं।
लगभग 64 ऐसे कक्ष यहाँ बनाए गए हैं, तो उनको देख के सहज ही अंदाजा लगता है कि बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु उस वक्त यहाँ पर रहा करते होंगे तथा वे अपना ध्यान और पूजा अर्चना यहाँ किया करते थे। यहाँ पर चैत्य कक्ष बने हुए हैं, इसके अलावा एक सभागार भी बना हुआ है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की सभा होती थी, धर्म सभा का आयोजन होता था तथा गुरु उनको वहाँ उपदेश दिया करते थे। यहीं पर एक मूर्ति है भगवान गौतम बुद्ध की जो उपदेश मुद्रा में है, यानी कि उनको उपदेश देते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे अपने जो अनुयायी हैं उनको उपदेश दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कई और भी मूर्तियाँ बनी हुई थी जिनको लोगों ने समय के साथ साथ तोड़ दिया, असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती रही। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर 64 गुफाओं के अवशेष हैं जिसमें से 50 पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित हैं। यहाँ जो बौद्ध गुफाएं हैं वह अश्वनाल के आकार की बनाई गई हैं और इनके बारे में यह कहा जाता है कि 2000 साल पहले इनका निर्माण हुआ था और ये समय अंतराल है, इस समय अंतराल में इनका इतना सुरक्षित और संरक्षित रहना अपने आप में कई बातें बयान करता है कि इन्हें किस तरह से बनाया होगा और जब तक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहे उन्होंने किस तरह से इनकी सार संभाल की होगी। इस पूरे परिसर में एक पहाड़ी पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस पहाड़ी पर इस पूरे पहाड़ को काट कर लेटराइट की चट्टानों के बीच इन गुफाओं का निर्माण किया गया। इन कक्षों के अलावा यहाँ पर चक्र, घंटिकाएं, स्तूप और चैत्य कक्ष वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा 12 फुट की है, लेकिन अब वह प्रतिमा वक्त के साथ साथ खंडित हो चुकी है। विनायगा में कुल 24 और गुनाई में यानी हाथेगोड़ में कुल 9 गुफाएं इस वक्त मौजूद हैं जिनको देखने भी लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। झालावाड़ के पर्यटन स्थलों के अंदर ये जो कोलवी की गुफाएँ इनका एक विशेष ही महत्व है, खास महत्व ये रखती हैं। हालांकि अब यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का आना लगभग बंद हो चुका है, लंबे समय से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि बौद्धों तक इन गुफाओं का जिक्र पहुँचे और उनको इनके बारे में बताया जाए तो यकीनन तौर पर यहाँ एक बार फिर से बौद्ध भिक्षुओं का आना शुरू हो सकता है, जो झालावाड़ के पर्यटन में एक मील का पत्थर साबित होगा। कोलवी की गुफाओं का आकर्षण ऐसा है कि स्थानीय पर्यटक भी यहाँ पर लगातार पहुँचते हैं, जो इनको एक बार देख चुका है वो बार बार यहाँ पर आने की इच्छा रखता है, लोग लौट लौट कर यहाँ पर इनको देखने आते हैं। कुछ पर्यटक हमें यहाँ पर मिले हैं जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, गुफाओं को देखने आए हैं, उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है? कृष्णपाल सिंह। तो कृष्णपाल सिंह, कोलवी की गुफाओं में पहली बार आयो? पहली बार आया। कैसे लगा यहाँ के? यहाँ पर बहुत ही पुरानी गुफाएं हैं जो कि हमें ऐसा बताया गया है कि भिक्षुओं के द्वारा भिक्षु यहाँ पर रहते थे, और बहुत ही अच्छा स्थान हमें लगा है घूमने का, और इस समय बहुत ही मतलब स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं लगती है। ऐसा बता रहे हैं कि पुरानी गुफाएं इनको बहुत अच्छा लगा देखकर, अध्ययन के लिए भी एक अच्छा स्थान है। क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र, यहाँ आके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पहले कभी आए हो? पहली बार। कहाँ के रहने वाले हो? पुरान। देखिए, ये भी कहीं दूर से आए हैं गुफाएं देखने, खास तौर पर ये यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, कोलवी की बौद्ध गुफाएं आज आपने देखी, कैसा अनुभव होता है? अच्छा अनुभव होता है। ये 6ठी से 8वीं शताब्दी में बनाई गई, इनको भिक्षु द्वारा बनाया गया है। बौद्ध भिक्षु द्वारा? बौद्ध भिक्षु द्वारा। और मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। तो ये 2000 साल पहले बनी हुई गुफाएं हैं, इनको देख के आश्चर्य नहीं होता कि कैसे बनी होगी, उस जमाने में तो औजार भी नहीं होते थे। हाँ, होता है, आश्चर्यचकित होते हैं यहाँ के। हाँ। तो यहाँ के स्थानीय इतिहासकार किशोर सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या इतिहास है सोनी जी इन गुफाओं का? सर, बताते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा करीब 2000 वर्ष पहले इन गुफाओं को बनाया गया था। ये आश्चर्य की बात है, उस समय कोई हथियार भी नहीं थे, किस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया हुआ, यहाँ पे जो भी आते हैं एक अचंबा सा लगता है। और यहाँ पे करीब 64 गुफाएं हैं जो कोई 2 मंजिला बनी हुई है, और जिन 2 मंजिला 3 मंजिला के अंदर शयन कक्ष भी बने हुए हैं जिसमें आप आराम से हवा ले सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्यटनों का अभाव है, और इसको इतिहासकार थोड़ा सा जैसे आपके चैनल के माध्यम से अगर इसको उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग इसकी ओर ध्यान देगा, क्योंकि रहने के लिए और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बाहर से अगर कोई पर्यटक आता है तो यहाँ पे सुविधाएं उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से परेशानी भी झेलनी पड़ती है। अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं हो जाए और तो बड़ा ही अच्छा रहेगा।
खैर इस बारे में भी हम बात करेंगे, इनकी जो दशा है अभी फिलहाल हम गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि इन गुफाओं की क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। पहाड़ के एक पूरे छोर पर यह गलियारा बना हुआ है जो इन गुफाओं के चारों तरफ घूमता है, और जैसे आज शहरीकरण होता है तो हम देखते हैं कि सड़कें और रास्ते बनाए जाते हैं और उनके आसपास बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ ये गलियारा बनाया गया जो वक्त के साथ साथ टूट गया है हालांकि, और लेकिन इसी गलियारे के आसपास इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। इधर मैं आपको मेरे लेफ्ट हैंड में दिखाना चाहूँगा, बड़ा ही विहंगम दृश्य यहाँ पर नजर आता है, प्राकृतिक छटा चारों तरफ बिखरी हुई है, यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से उस वक्त बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थान का चयन किया होगा कि उनको यहाँ से जोरदार प्राकृतिक नज़ारा भी मिलता था, और ऐसा कहते हैं कि आराधना और पूजा पद्धति जो उनकी थी उसके लिए जो आदर्श परिस्थितियाँ थी वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। इसी के चलते इन गुफाओं को उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया, इस स्थान को चिन्हित किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गुफाएं बनी हुई हैं। सोने के लिए पलंग बनाया गया है, इस पर तकिया भी लगा हुआ है, गेट लगाकर इनको बचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये प्रयास जो है नाकाफी है। उस वक्त जब इन गुफाओं का निर्माण किया गया तो ये इलाका पूरी तरह से हरियाली से ढका हुआ था, उसके बाद इन चट्टानों को बेहद करीने से तराशा गया। देखिए आप किस तरह से इनको तराशा गया है, आकार दिया गया है, दरवाजे बनाए गए हैं, छत बनाई गई है, प्रत्येक कक्ष में एक पलंग बनाया गया है इन्हीं चट्टानों को काटकर, और उस पर सोने के लिए तकिया भी बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो इन गुफाओं को बाहर से सजाने संवारने का भी प्रयास किया गया, कई जगह पर हम यहाँ देखते हैं कि कई गुंबद बने हुए हैं, कई मेहराबें बनी हुई हैं, हालांकि ये पत्थर वक्त की मार खाकर अब यूं कहें कि बूढ़ा हो चुका है, पत्थर झड़ने लगा है, इसको संरक्षण की और अधिक ज़रूरत है, इसको और अधिक संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि यह सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियाँ झालावाड़ की इस धरोहर से रूबरू हो सके। इन गुफाओं का जो सौंदर्य है वास्तव में बेहद अलौकिक सौंदर्य यहाँ पर बिखरा हुआ है, लेकिन इसको ठीक से यदि सजाया संवारा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में ये गुफाएं ख्याति प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अजंता एलोरा की गुफाओं ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है उसी तरह से ये गुफाएं भी अजंता एलोरा से कहीं कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिजाइने बनाने का प्रयास किया गया है, कक्ष के अंदर एक और कक्ष है, कक्ष के अंदर भी कक्ष बनाया गया है, बेहद साफ सुथरी जमीन यहाँ पर की गई है रहने के लिए ताकि सोने बैठने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इस पूरे पहाड़ में काटकर जो गुफाओं का निर्माण किया गया उसमें कई सारी गुफाएं दो मंजिल और तीन मंजिल भी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दो मंजिल गुफाएं है, ऊपर की मंजिल अलग है, नीचे की मंजिल अलग है, कक्ष के अंदर कक्ष बना हुआ है और उसके अंदर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यानी कि जो बहुमंजिली इमारतों का जो कंसेप्ट है उसको भी उस टाइम पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपनाया गया और एक से अधिक मंजिलों में भी निर्माण किया गया। जैसी उनको सहूलियत मिली, जहाँ दो मंजिलें बनाने के लिए जगह मिली तो वहाँ दो बनाई गई, जहाँ एक के लिए मिली वहाँ एक बनाई गई, यहाँ इस पूरे परिसर में तीन मंजिला तक गुफाएं बनाई गई हैं। 2000 वर्ष पहले जब बौद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं का निर्माण किया था तो यकीनन उनके मन में कहीं भी ये बात नहीं होगी कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। सदियों तक ये गुफाएं अपेक्षित पड़ी रहीं, उसके बाद लोगों ने इन पर ध्यान देना शुरू किया, लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे, गुफाओं की प्रसिद्धि धीरे धीरे फैलती गई और काफ़ी लोगों का आना जाना यहाँ पर हुआ। सरकार का ध्यान भी इस तरफ जाने लगा। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि यहाँ की विधायक भी रही हैं और राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रहीं, उनके द्वारा 67 लाख रुपये का बजट इन गुफाओं के जीर्णोद्धार के लिए दिया गया। पुरातत्व विभाग के माध्यम से इनका संरक्षण करवाया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर उस बजट के माध्यम से इनका संरक्षण करने के साथ साथ कुछ सुविधाओं का भी निर्माण करवाया जाना था, सुविधाओं का निर्माण करवाया गया, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन संरक्षण के नाम पर यहाँ जो भी कुछ हुआ वह साफ तौर पर देखने को मिलता है। फेंसिंग लगाई गई, साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर की गई,
इनका केमिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, जिसकी बदौलत ऐसा माना जाता है कि ये इनकी उम्र अब बढ़ गई है, लंबे समय तक ये यहाँ पर खड़ी रहने वाली हैं। किंतु फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आज यहाँ पर अभाव है। यहाँ पर्यटक आना चाहते हैं लेकिन व्यापक प्रचार प्रसार की कमी है। पर्यटन विभाग इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है। पर्यटन विभाग में सिर्फ खानापूर्ति होती है। कोलवी की गुफाओं का नाम इंटरनेट के माध्यम से जब लोग देखते हैं तो दूर दूर से लोग यहाँ जो उनके जानकार हैं उनको फ़ोन करके इन गुफाओं के बारे में पूछते हैं और यहाँ आने की इच्छा जताते हैं। स्थानीय पर्यटकों के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों से पर्यटक भी इन गुफाओं को देखने यहाँ पर आते हैं। जो पुरातत्व की वस्तुओं देखने के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उनके लिए यहाँ पर चारों तरफ खजाना बिखरा हुआ पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्यटकों का अभाव है, लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन दरकार सुविधाओं की है। यहाँ पर सुविधाएं विकसित हों तो लोगों को आने में भी मजा आएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये बोर्ड लगा है जहां पर लिखा गया है हमारी विरासत हमारा गौरव। पुरातत्व विभाग ने जब सरकार के बजट से यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया, इसको संरक्षित करने का काम करवाया, ये फेंसिंग वगैरह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सब उसी वक्त लगी थी, उसी वक्त ये बोर्ड लगाया गया कि ये पुरातत्व विभाग की विरासत है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस बोर्ड को लगाने के बाद पुरातत्व विभाग का कोई भी नुमाइंदा इनकी दशा देखने आज तक नहीं आया है। कोलवी की गुफाएं अपने आप में एक नायाब जगह है लेकिन बदहाली का शिकार हो रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा यहाँ की। आप देख सकते हैं कि खिड़की दरवाजे जालियाँ तोड़ दी गई हैं, मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं, मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं। अंदर चमगादड़ों का बसेरा है, चमगादड़ों की पीठ, चमगादड़ों का मल अंदर चारों तरफ जमा है, जिससे उठने वाली दुर्गंध यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा करती है कि ठहरना भी मुश्किल होता है। ऐसे में पुरातत्व विभाग के काम की भी कलाई खुल जाती है कि उसने यहाँ कितना काम किया और अब पुरातत्व विभाग इस नायाब धरोहर को लेकर कितना सीरियस और सजग है। पुरातत्व विभाग का कोई भी नुमाइंदा इसके हालात जानने भी नहीं आता है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ गार्डों की तैनाती की गई थी लेकिन एक भी गार्ड यहाँ नहीं मिलता। जगह लगातार बर्बाद होती जा रही है। बुद्धिजीवी वर्ग इसको लेकर काफी चिंतित है। समय समय पर झालावाड़ का बुद्धिजीवी वर्ग इनकी दुर्दशा को लेकर चिंता व्यक्त करता रहता है लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। प्रशासन के अधिकारी जब यहाँ घूमने आते हैं तो वो फोटो खिंचाते हैं, जगह की तारीफ करते हैं और अपने अधिकारियों, अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हैं कि यहाँ के जीर्णोद्धार और विकास के लिए प्रस्ताव बनाओ, लेकिन ये बातें सिर्फ अखबारी बातें होकर रह जाती हैं। धरातल पर अब तक कुछ भी नहीं उतर पाया है। इन गुफाओं की दशा या यूं कहें दुर्दशा के बारे में झालावाड़ और यहाँ के रहने वाले कुछ जो जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे बात करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर वे इनको लेकर क्या सोचते हैं तथा जो सरकार और प्रशासन के प्रयास हैं उनको लेकर उनके क्या विचार हैं तथा उनके क्या सुझाव हैं कि इस जगह को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। कोलवी में जो गुफाएं हैं वो तो बौद्धकालीन गुफाएं हैं और बौद्ध काल का मतलब अपन कहाँ से लें, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता था वो जब बूढ़ा हो गया तो वो बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। उससे पहले वो गवर्नर था उज्जैन का, उज्जैन में गवर्नर था वो, और जब वो शासन छोड़ दिया अशोक आए तो अशोक भी यहाँ के गवर्नर रहे उज्जैन के, और बाद में अशोक भी जब कलिंगा की लड़ाई हुई उसके बाद में वो भी बौद्ध बन गए। तो फिर उनके बाद में उन्होंने काफ़ी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह संगठन बनाए, संघ बनाए, अपनी बेटी को, बेटे को बाहर श्रीलंका भेजा, वो सब किया, और सांची में भी काफ़ी गया तो है ही, बौद्ध गया, और बनारस ये तो प्रमुख हैं पर सांची में भी प्रमुख स्थान बना। तो वहाँ से जो लोग आते थे बौद्ध लोग सांची की तरफ जाते थे तो अपना ये जो झालावाड़ जिला उस रास्ते में पड़ता था। तो बौद्ध का जो अपना यहाँ पर है, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता था, ये एक ठहरने की जगह थी उनकी, चार छः महीने, दो चार महीने एक ग्रुप आया, दो चार महीने रहा, 15 दिन रहा, आगे बढ़ गया, इस तरह से वो यहाँ रहा करते थे। तो वो उस तत्कालीन की गुफाएँ ये हैं। झालावाड़ जिले की कोलवी की गुफा लगभग 2000 साल से भी पुरानी है जो उपेक्षा का शिकार हो रही है जिला प्रशासन की। वहाँ पर
नशेड़ी और शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। जिला प्रशासन इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर काफ़ी बजट दिया था, लेकिन वो बजट किसी काम नहीं आया। वहाँ जाने के लिए ना सड़कें हैं, ना पर्यटकों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था है, जबकि विश्व के पर्यटक वहाँ आना चाहते हैं, लेकिन अव्यवस्था का शिकार होने की वजह से वहाँ पर वो नहीं आ पाते हैं। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दें। जिला प्रशासन झालावाड़ की विश्व धरोहर के नाम से जानी जाती है कोलवे की गुफा, लेकिन देशी और विदेशी पर्यटक वहाँ जाने से इसलिए कतराते हैं कि वहाँ जाने के लिए ना सड़कें हैं, वहाँ गंदगी रहती है, वहाँ चमगादड़ों की पीठें भी पड़ी रहती है। कई प्रकार के लोगों ने वहाँ पर अपनी शरण स्थली बना रखी है, जिससे वहाँ पर आदमी को जाने में डर लगता है। मेरा ये कहना है कि जो पर्यटक विभाग है, जो इसके अंडर में आती है जितनी भी व्यवस्थाएँ, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। कई तरह की जैसे वहाँ इस तरह के जो ड्रग्स लेने वाले हैं, नशेड़ी गंजेड़ी और काफ़ी जो जैसे इसमें 50 गुफाएं थी, तो उसकी आज देखा जाए तो कमी गुफाओं का शेष बची हैं, तो वो ये सारी पर्यटक विभाग की अव्यवस्थाओं का या ध्यान नहीं देने का एक परिणाम है। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है, उसमें वो चमगादड़ वगैरह आ रही है, मतलब अव्यवस्था उसकी गंदगी रहती है, और गुनाही शहर कोलवी तक कोई रास्ता नहीं है, मतलब ऐसा मतलब मिट्टी पत्थर वगैरह है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वहाँ कोई भी मतलब टूरिस्ट ज़्यादा है तो उसके लिए ठहरने के लिए चाय पानी नाश्ता की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं है। इसको मतलब जो पुरातत्व विभाग है, इसको मतलब इसमें कुछ ऐसा मतलब बजट आवंटित करवाना चाहिए, ताकि उससे सार संभाल देख संभाल हो सके, मतलब और उसमें मतलब लाइट के लिए भी कुछ ऐसा हो, ताकि वहाँ तक लाइट पहुँच जाए, ताकि रात में भी कभी कैसी यात्री वगैरह ये मतलब देखने वाले जाते हैं ना, तो उनको मतलब ऐसा लगे कि हाँ मतलब प्राचीन सभ्यता जिंदी है। सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अनमोल विरासत लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, और वह वक्त दूर नहीं जब यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और सिर्फ अवशेष ही यहाँ देखने को बाकी रह जाएंगे। NDTV के लिए झालावाड़ के कोलवी से रियाज खान।